इसरो का पीएसएलवी C62 जो एक इंपॉर्टेंट डिफेंस मिशन स्पाई सैटेलाइट कैरी कर रहा था वो फेल हो गया। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि लास्ट मिशन पीएसएलवी का जो C61 था जिसके ऊपर भी एक इंपॉर्टेंट स्पाई सैटेलाइट था वो भी फेल हुआ एंड दोनों के फेलियर सिमिलर थे जहां उनका स्टेज 3 पे कुछ तो हुआ लास्ट मिनट पे एंड पूरा टंबल करने लगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या हुआ, हमने क्या लूज किया क्योंकि स्पाई सैटेलाइट के बजाय दूसरे इंपॉर्टेंट सैटेलाइट भी थे, कैसे लास्ट फेलियर सिमिलर था, ये स्टेज 3 के साथ इन्हों ऐसे क्या है स्टेज 3 में ये अलग क्यों है, अभी इसरो ये टिपिकली फेल होने और क्या एक्शंस लेते हैं अपने रॉकेट्स पे, कौन से रॉकेट्स अफेक्ट हुए क्योंकि पीएसएलवी अकेला अफेक्टेड नहीं, इससे क्या हुआ होगा, कुछ थियरीज इस पे सैबोटेज एंगल को डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट स्टेप्स जो हम इसरो से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा पीएसएलवी C62 स्टेज 1-2 परफेक्ट थे, स्टेज 3 के एंड के कुछ 10 सेकेंड बर्न में कुछ तो हुआ एंड पूरा स्टेज टंबल करने लग गया, तो इसके बाद साइलेंस था बहुत मिशन में, पर हमने देखा कि स्क्रीन के ऊपर आया कि PS4 इंजन स्टार्ट हुआ। PS4 मतलब पीएसएलवी स्टेज 4, तो शायद लगा कि कुछ तो कॉम्पेंसेट करे स्टेज 4 वगैरह, बट नहीं, उसके बाद और भी साइलेंस था। फाइनली इसरो चेयरमैन स्क्रीन के ऊपर आए और उन्होंने अनाउंस किया कि कुछ तो एनोमली हुई है स्टेज 3 के साथ एंड डिविएट हुआ वगैरह एंड स्ट्रीम एंड हुई। इसरो ने सिमिलर लाइंस पे ट्वीट किया बट अब तक इस वीडियो तक कुछ ऑफिशियली ट्वीट नहीं आया कि फेल हुआ है मिशन या खत्म, मतलब अनरिकवरेबल है, पर थर्ड पार्टी कंफर्मेशन आए जो टैग्स वगैरह ऑब्जर्व करते हैं कुछ अननोन ऑब्जेक्ट्स वगैरह का कि मोस्टली ये इंडियन ओशन में जाके गिर गया। अब हमने क्या खोया, सबसे पहले अन्वेषा ये DRDO हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट है, अब इसके बारे में ज्यादा पब्लिक इंफॉर्मेशन है नहीं क्योंकि ये हमेशा ऐसे एक सीक्रेटिव प्रोजेक्ट रहा है, ये ऐसे कहा जाता है कि काफी कूल काफी कटिंग एज हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट था बट ज्यादा डिटेल्स नहीं है पब्लिक में। बट यार एक चीज याद रखो, सिंस ये गवर्नमेंट सैटेलाइट है गवर्नमेंट एक और इसका रिप्लेसमेंट फंड कर सकती है, राइट, वापस थोड़ा पैसे अलॉट करके DRDO से एक और बना सकती है। बट एक बड़ा इशू है ये प्राइवेट सैटेलाइट्स, काफी सारे इंडियन प्राइवेट स्टार्टअप्स जो छोटे छोटे प्राइवेट स्टार्टअप्स है उनके सैटेलाइट्स थे। एक तो ध्रुवा स्पेस जो बहुत छोटी भी नहीं है बट बहुत बड़ी भी नहीं है, इनके 4 सैटेलाइट्स थे, वो भी काफी सारे कस्टमर सैटेलाइट्स दूसरों के लिए बनाए थे, टोटल 10 मिशंस थे इंक्लूडिंग डिप्लॉयर्स, ये वो लूज कर चुके हैं। फिर ऑर्बिटेड एरोस्पेस ये एक नया स्टार्टअप था जो इन स्पेस रिफ्यूलिंग डेमो करने वाला था, अगेन आप देख सकते हो इमेज में इनकी पूरी टीम है एंड वो फोटो वगैरह ले रहे सैटेलाइट के साथ, राइट। ये एट दिस पॉइंट में मेंशन करना चाहता हूँ कि कैसे जब आप एक छोटा स्टार्टअप होते हो आपका बजट टाइट होता है, आप अपना सैटेलाइट बिल्ड कर रहे हो वो एक चाइल्ड को रेज करने की तरह, बच्चे को बड़े करने की तरह, एंड आई कांट इमेजिन उनको कैसा फील हो रहा होगा उनका सैटेलाइट को ऐसे लूज होते देख, राइट, प्लीज वो सेक्शन भी आप वो एरिया भी थोड़ा सोच लो। फिर ये आता है इओन स्पेस लैब्स, ये मेरे लिए थोड़ा पर्सनली टचिंग है क्योंकि ये लोग एक कॉम्पैक्ट टेलीस्कोप फ्लाई करने वाले थे जो वन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट होने वाला था, काफी कटिंग है, जिसका नाम था मीरा, एंड ये इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि मैंने इनका फर्स्ट वर्जन इस अटेम्प्ट का 5 साल पहले कुछ कवर किया था, देन जस्ट फ्यू मंथ्स अगो मैंने इनको विजिट किया था हैदराबाद में, इनके साथ इनका ड्रोन पेलोड का वीडियो बनाया था एंड उस वीडियो के एंड में मैंने ये पेलोड का इंजीनियरिंग मॉडल भी दिखाया था, इनफैक्ट मैंने ये पेलोड खुद उसका मिरर्स वगैरह देखे भी थे। तो ये याद रखो ये सब छोटे स्टार्टअप्स है, इनमें से काफी की फंडिंग लिंक्ड होगी नेक्स्ट फंडिंग इस सक्सेस से, तो कैसे इफेक्ट होगा, क्या ये सब सर्वाइव करेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये सिनेरियो। फिर टेक मी टू स्पेस भी अगेन एक अपकमिंग स्टार्टअप था जो काफी सारी चीजें कर रहा था, इस केस में वो एक छोटा सा डेटा सेंटर डेमो कर रहे थे स्पेस में जहाँ पे एनवीडिया और जीपीयूज वगैरह फ्लाई करने वाले थे, तो काफी बड़ा लॉस है, क्या इन सब की फंडिंग नेक्स्ट जो है वो इन्हें मिलेगी, क्या इश्यूज आएंगे इसके साथ, एंड जस्ट ये सैटेलाइट्स नहीं थे, ये पूरे थे, इस पे काफी सारे छोटे सैटेलाइट्स थे, पैसेंजर सैटेलाइट्स, थोड़े नेपाल से, ब्राजील से, आई थिंक थाईलैंड वाला भी एक था, फ्रांस से, स्पेन से, एक कमर्शियल मिशन भी था जहां पे इंडियन स्टार्टअप्स ने तो पैसे दिए थे, याद रखो इंडियन स्टार्टअप्स के लिए फ्री नहीं है लॉन्च, उनको भी पैसा देना पड़ता है, प्लस फॉरेन स्टार्टअप्स ने भी पैसे दिए थे इसरो को या एनसिल को, टेक्निकली एनसिल लॉन्चर है, राइट। एट दिस पॉइंट मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि क्या इसरो को एटलीस्ट इंडियन स्टार्टअप्स के लिए एक फ्री लॉन्च स्लॉट देना चाहिए इंक्लूडिंग सर्टिफिकेशन, क्योंकि याद रखो ऑफकोर्स इन सबको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, राइट, मोस्टली ये सब इंश्योर्ड होंगे बट इंश्योरेंस से पूरे पैसे नहीं मिलते, एक कुछ परसेंटेज होगा जो मिलेगा, प्लस इनका पूरा ग्रोथ भी सेटबैक हो गया, राइट, तो अगर इसरो ने एक फ्री लॉन्च देता है तो शायद वो एज अ पिच यूज कर सकते हैं फॉर देयर नेक्स्ट फंडिंग, मुझे नहीं पता, आई वांट टू हियर योर ओपिनियन, राइट। एंड जैसे मैंने कहा था लास्ट सैटेलाइट जो लास्ट पीएसएलवी जो था पीएसएलवी C61 उसके साथ भी ऑलमोस्ट सिमिलर फेलियर हुआ था जहां स्टेज 3 पे कुछ हुआ सिमिलर टाइम फ्रेम में, उसके ऊपर EOS-09 जो एक SAR सैटेलाइट है वो थी वो भी चली गई।
तो ये थोड़ा कंसर्निंग है जब आप सेम फेलियर या सिमिलर फेलियर रिपीट करते हो। तो क्या है ऐसा स्टेज थ्री में, राइट? देखो ये स्टेज थ्री काफी अलग है, ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है वो स्टेज थ्री है गोल्डन वाला। अगर हम इसे डिटेल में देखें तो कुछ ऐसा दिखता है, राइट? यहाँ पे ऊपर जो व्हाइट कलर है वो स्टेज फोर है, उसके ऊपर एडाप्टर लग के स्टेज थ्री लगता है क्योंकि स्टेज थ्री थोड़ा छोटा है। स्टेज फोर के ऊपर थ्रस्टर्स है रोल कंट्रोल करने के लिए, बट नीचे अगर आप ये येलो कलर देखो तो आपको ऐसे क्रॉस पैटर्न वगैरह दिखेंगे, क्योंकि ये स्टेज जो है वो काफी के एक मेटल केसिंग नहीं यूज करता, ये यूज करता है कंपोजिट केसिंग, जहां पे वो कुछ स्पेसिफिक फाइबर्स वगैरह वीव एंड वो मोल्ड वगैरह करके उसे बनाते हैं, तो उसके वजह से काफी लाइट बन जाता है पूरा स्टेज। प्लस इसके ऊपर अगर आप देखो तो फ्लेक्स नोजल है, तो ये नोजल सिंक होता है स्टेज के अंदर एंड देन एक सील से वो फ्लेक्स सील से वो खुद को मूव कर सकता है। प्लस आप देख सकते हो यहाँ पे दो एक्चुएटर्स है जो इस नोजल को मूव कर सकते हैं थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल के लिए। ये स्टेज अब तक दो ही बार फेल हुआ है, और वो था आज के मिशन में एंड प्रीवियस मिशन में। पीएसएलवी के थोड़े कोर्क्स भी है, जैसे ये जलने के बाद इसरो को करीब 2 मिनट के आसपास वेट करना पड़ता है ऊपर का स्टेज सेपरेट करने के लिए। तो आप जब भी पीएसएलवी को देखो तो आप देखोगे कि एक लंबा कोस्टिंग फेज होता है स्टेज थ्री बन के बाद, वो इसलिए क्योंकि इसका एक बड़ा सा टेल ऑफ थ्रस्ट है, मतलब पूरा जलने के बाद भी थोड़ा थोड़ा जलते रहते हैं अंदर एंड थोड़ा थोड़ा थ्रस्ट आते रहता है, तो अगर आप सेपरेट करोगे स्टेज को तो शायद वो टकरा सकते हैं। तो ये थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बट काफी यूनिक स्टेज है एंड काफी सक्सेसफुल भी स्टेज है अब तक का। तो टिपिकल पोस्ट फेलियर एक्शंस कैसे दिखते हैं इसरो के केस में? टिपिकल एक लॉन्च फेल होता है, फिर जो भी अफेक्टेड व्हीकल्स होते हैं वो ग्राउंड होते हैं, देन एक फेलियर एनालिसिस कमिटी यानी एफईसी फॉर्म होती है। एफईसी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करेगी, एफईसी में रिटायर्ड लोग भी हो सकते हैं, करंट लोग भी हो सकते हैं, जो लोग ओरिजिनली उस चीज के ऊपर काम कर चुके हैं बहुत साल पहले वो लोग को भी वापस लाया जा सकता है। तो बहुत ऐसा मिक्स होता है एफईसी में। एफईसी फिक्सेस सजेस्ट करेगी कि आप ये कर लो। ये होने के बाद लॉन्च से पहले टिपिकली एक ब्रीफ की जाती है पब्लिक को कि हमने ये चेंजेस किए, एंड ऑफ कोर्स फ्लाई किया जाता है नए व्हीकल को। एसएसएलवी के केस में अगर हम देखें तो एसएसएलवी D1 फेल हुआ था, देन एसएसएलवी D2 के लॉन्च से पहले हमें एक बहुत लंबा सा ब्रीफ मिला था, अभी सोमनाथ सर चेयरमैन थे, एंड ये जो आर्टिकल है आई थिंक वो अब तक का इसरो का मोस्ट ब्यूटीफुल इंजीनियरिंग आर्टिकल है। इसलिए नो मुझे फेलियर्स बहुत पसंद है, क्योंकि फेलियर से जो आपको सीखने मिलता है वो सक्सेस से नहीं हो सकता, स्पेशली इंजीनियरिंग डोमेन्स में, राइट? बट इस केस में ये स्किप किया गया, ये वाला पार्ट, जब आप पब्लिक को पब्लिक से आप ट्रांसपेरेंट होते हो, अकाउंटेबल होते हो कि हमसे ये गलती हुई थी, हम ये इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं, ये पूरा ही पार्ट स्किप कर दिया गया C61 के लिए। हमें आज तक नहीं पता वो क्यों फेल हुआ। इनफैक्ट हमें कुछ वेग लूज स्टेटमेंट्स मिले मीडिया में, बट कुछ भी कंफर्म नहीं है। ये कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग एरर होगा, कि हमने PMO को सबमिट किया है, अगर वो बोलेंगे तो हम करेंगे पब्लिक, या देखते हैं पब्लिक करने की, बहुत सारे वेग स्टेटमेंट्स आज तक ये पब्लिक हुआ है क्यों फेल हुआ। जो भी है, अफेक्टेड रॉकेट्स क्या है? पीएसएलवी तो ऑब्वियसली है, बट एसएसएलवी भी है, क्योंकि पीएसएलवी का स्टेज 3 से डिराइव होके एसएसएलवी का स्टेज 2 बनता है, ऑलमोस्ट सेम ही दिखते हैं दोनों, तो शायद इसलिए एसएसएलवी उड़ा नहीं है इतने टाइम से, और अभी उड़ेगा भी नहीं ऐसे रहा तो, और 1 साल 6 महीने जितना भी टाइम लगता है एफईसी को। देन LVM3 एंड GSLV लाइकली सेफ है, अनलेस कोई तो पाइपलाइन में या जो मैन्युफैक्चरिंग चेन में कॉमन लिंक मिले इन चारों में, तब तक ये दोनों सेफ है। क्या हुआ होगा कुछ अगर हम थियरीज को डिस्कस करें, ऑफकोर्स अगर हम स्टेज 3 को देखें तो मोस्ट ऑब्वियस हो सकता है कि ये जो मोटर केसिंग थी वो ब्रीच हुआ, उसका स्ट्रक्चर शायद वो स्ट्रांग नहीं था, शायद ये मोटर एक्चुएशन जो है थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल का वो काम ही नहीं करा, नोजल स्टक वगैरह हो गया, शायद फ्लेक्सिल टूट गया नोजल का, शायद ये जो सप्लायर है कोई चेंज हुआ रिसेंटली, कोई नया सप्लायर लाया और वो अच्छा काम नहीं, अच्छा मटेरियल नहीं दे रहा है, शायद सॉफ्टवेयर इशू भी हो रहा है, GNC यानी गाइडेंस नेविगेशन एंड कमांड कंट्रोल, शायद वो फेल हुआ हो, शायद कोई क्यों इशू हुआ हो, बहुत सारी थियरीज है, बट जब तक एफईसी रिपोर्ट नहीं आता और हमें नहीं बताते वो, तब तक हम स्पेकुलेट ही कर पाएंगे। ऑब्वियसली द मोस्ट हैपनिंग स्पेकुलेशन ऑन ट्विटर है सैबोटेज थ्योरी, कि ये भी स्पाई सेट, इससे भी पहले स्पाई सेट, इससे भी पहले GSLV का जो नाविक था, नाविक सैटेलाइट फेल हुआ तो लफड़ा, उससे पहले भी GISAT का वो फेल हुआ, वो भी एक वही डुअल यूज अर्थ ऑब्जर्वेशन स्पाई सेट था, तो सैबोटेज, राइट? एंड ऑब्वियस है एट दिस पॉइंट जब ऐसे होता है आप सैबोटेज पे ही बहुत लाइकली आप ऐसे सोचोगे ऐसा होता है करके, बट उनमें से काफी बड़ा सेक्शन है ऑडियंस का जो सोचते हैं कि स्पाई सैटेलाइट ही क्यों फेल होना है, दूसरे मिशन क्यों नहीं फेल हो सकते, एंड जब ये लोग ऐसा रिफर करते हैं वो दूसरे से साइंस मिशन को रिफर करना देख रहे हैं। काफी लोगों को लगता है साइंस मिशन वैनिटी है, PR है, टाइम पास है, नहीं करना चाहिए, टाइम वेस्ट है, एंड मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं उनको, अगर आप सब्सक्राइबर हो तो आपको मेरा स्टैंड बताया,
अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द इसरो लॉन्चेस जो है वो डिफेंस सैट्स ही होते हैं डिस्गाइज्ड एज सिविलियन। ठीक है, यहाँ पे आता है डुअल यूज का एग्जांपल, डुअल यूज का जो थियरी है। अगर हम कार्टोसैट 3 को देखें तो इसका जो रेजोल्यूशन है ये एक टेलीस्कोप ही कह सकते हो आप, एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इसका रेजोल्यूशन 0.25 मीटर रिपोर्टेड है। अभी ये बहुत हाई रेजोल्यूशन है, वन ऑफ द हाईएस्ट होगा वर्ल्ड में। पर अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन देखो जो इसरो देता है, तो वो कहते हैं कि नहीं, हम तो अर्बन प्लानिंग, रूरल रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। पर अगर आप इसरो से मांगो 0.25 तो मिलेगा नहीं आपको, राइट, 1 मीटर का मिले शायद। तो काफी सारे जो लॉन्चेस होते हैं इसरो के वो ऐसे ही होते हैं डुअल यूज, जहां पे सिविलियन यूज भी हो सकता है, डिफेंस भी है। ये इसरो के लिए नहीं है, नासा, यूरोपियन, बहुत सारे के लिए सेम ही होता है, चाइना भी, जहां पे वो स्पाई सैट को एज ईओ सैट रिफर करते, राइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैट। एंड अगर हम स्टैटिस्टिक्स भी देखें तो इसरो के 100 से ज्यादा लॉन्चेस हो चुके हैं, 101, 102 ऐसे कुछ तो। एंड उसमें से डुअल यूज एंड कम्युनिकेशन वेदर सैट्स अगर हम देखें तो वो 90 से ज्यादा है। साइंस के लॉन्चेस ओनली 7 होंगे, चंद्रयान 1, 2, 3, मार्स का जो था एस्ट्रोसैट, आदित्य 11 और एक्सप्रोसैट, राइट। इवन जो रिसेंट जो डॉकिंग मिशन हुआ इसरो का स्पेडएक्स, उनको सेपरेट किया है एंड उन दोनों के ऊपर अर्थ ऑब्जर्वेशन पेलोड्स है, एक के ऊपर कोई हाई रेजोल्यूशन कैमरा है एंड एक के ऊपर कोई मल्टीस्पेक्ट्रल कैमरा। तो आप सोचो उनको भी नहीं स्पेयर किया गया। तो जब आप प्रोबेबिलिटी देखो, जब मेजोरिटी मिशंस डुअल यूज लॉन्च हो रहे हैं, तो अगर एक फेलियर होगा 10 में से तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो एक डिफेंस या डुअल यूज सैटेलाइट ही होगा। एंड एट दिस पॉइंट जो लोग सैबोटेज कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि सैबोटेज नहीं हो सकता, बट मैं जस्ट आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कहना चाहता हूं कि मैं क्यों इसरो का कोई इनसाइडर सोर्स मेंटेन नहीं करता। वो इसलिए क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुना है कि जब आप ऐसे इंटरनल वगैरह ये करने देखते हो तो इंटेलिजेंसीज इमीडिएटली आपके ऊपर नजर रखने लगती है, ट्रैक करने लगती है कि आप किससे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो वगैरह वो सब। एंड ये बहुत आप याद रखो कि इसरो पीएमओ के अंडर आता है, इनकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हाई। पीएमओ हमेशा हर एक चीज, पीएमओ एंड इंटेल हर एक चीज मॉनिटर कर रही है, हर छोटी चीज, इसलिए लीक्स बहुत रेयर होते इसरो में। तो आई डोंट फील ये सैबोटेज है, ये लाइकली क्यूए एरर है। आई थिंक, आई होप ये सैबोटेज ना हो, क्योंकि वो एक और पैंडोरास बॉक्स खोल देगा और बहुत बड़े इश्यूज आ जाएंगे, बट इट्स लाइकली अ इंजीनियरिंग इशू। देखते हैं जो भी होगा वो बाहर आएगा, अगर बाहर नहीं आया तो अज्यूम कर सकते सैबोटेज था, आई डोंट नो, बट इसरो अभी ट्रांसपेरेंट नहीं उतना तो पता नहीं। नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे, एक तो कॉन्फिडेंस गिर गया, राइट। एफएससी आपका अथॉरिटी है जो आपको बोलेगा कि क्यों फेल हुआ। अगर आप वही आपको ऐसे सिचुएशन में ला रहा है जिसके जहां उसके सजेशन काम नहीं किए एंड सेम फेलियर रिपीट हुआ, एफएससी का कॉन्फिडेंस गिर गया, एफएससी की क्रेडिट गिर गई, कॉम्पिटेंस गिर गई। बहुत बहुत डेंजरस सिचुएशन है ये इंटरनली। आप ट्रस्ट किस पे करोगे, आप कहां जाओगे फेल हुआ। इसलिए एक चीज कर सकते हैं इसरो, मल्टीपल एफएससीज बना सकता है, तो 2-3 कमिटीज बनाओ एंड सबको इन्वेस्टिगेट करने दो एंड देखो कहां क्या हो रहा है। एक और चीज इसरो कर सकते हैं, एफएससी के होने के बाद एक स्टैटिक फायर कर सकता है, तो कोई तो एग्जिस्टिंग स्टेज 3 ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड होगा, उसके ऊपर जो भी एफएससी के रिकमेंडेशन है वो डालो एंड एक ग्राउंड के ऊपर स्टैटिक फायर कर दो एंड देन विल बी प्लेइंग सेफ। यूजुअली इसरो जब नया रॉकेट लॉन्च करता है तो वो D1, D2 मिशंस करता है, यानी डेवलपमेंट फ्लाइट 1, डेवलपमेंट फ्लाइट 2 एंड देन अपने रेगुलर मिशंस करता है वो। तो D1, D2 के टाइम वो ज्यादा रिस्क नहीं लेते, सेफ पेलोड्स, ज्यादा एक्सपेंसिव पेलोड्स नहीं। तो GSLV के केस में हुआ क्या था, GSLV इतने बार फेल हो रहा था मार्क 2 कि कुछ चेंजेस के बाद इंडिजिनस क्रायो स्टेज के बाद वो D3, D4 भी किए। तो शायद अभी टाइम आया कि PSLV को वो थोड़ा बैक स्टेज पे लाए एंड एक D3 फ्लाइट करे, डेवलपमेंट फ्लाइट, जहां पे एक नॉन क्रिटिकल पेलोड लेके जाए वो कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए एंड देन उसके बाद नॉर्मल रिज्यूम करें। तो ये कुछ हो सकता है। याद रखो ये सिचुएशन किसी के लिए अच्छी नहीं है, ना डिफेंस के लिए, ना PSLV टीम के लिए, जो अभी उनका पूरा साल खराब हुआ। याद रखो जब तक ये इशू चलेगा तब तक PSLV टीम स्ट्रेस्ड रहेगी, पूरा साल स्ट्रेस्ड रहेगी, इसरो स्ट्रेस्ड रहेगा, फाइनेंशियल लॉस भी शायद हो, इंश्योरेंस कॉस्ट इंक्रीज होंगे, PSLV के कस्टमर शायद कम हो। ये सिचुएशन बिल्कुल अच्छी नहीं है, मेरे को और भी बुरा लग रहा है स्टार्टअप्स का। या इस केस में गवर्नमेंट तो थोड़ा कंपेंसेट कर देगी इसरो के केस में, DRDO के केस में, पर स्टार्टअप्स के लिए आई होप कुछ तो करे गवर्नमेंट, बट डाउटेड क्योंकि इंश्योरेंस वगैरह वो सब है, बट देखते हैं। तो नॉट अ गुड डे, आई होप सब ठीक हो। थैंक यू।